पवन मल्होत्रा जी दिल्ली से, इन्होंने थिएटर से शुरुआत की। क्या नायक के रूप में आप किसे देखते हैं इस पर? क्या आप अपने आप को दोहराना चाहेंगे? नहीं, वो तो देखिए इस तरह की कोई चीज एग्जैक्टली बनाने का कोई मतलब नहीं है जब है। और जैसा कि पहले फिल्म शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि बीच में मुझे मालूम है कुछ लोग उठ के जाएंगे, जैसे फिल्म में वो कहते हैं ना जब हीरोइन पिछवाड़ी हिलाती है तो सब देखते, पर मुझे मालूम है कि जुड़वा में से कोई नहीं हिलेगा ये फिल्म में। इसीलिए हम बोल अभ्यास चाहिए होता है इस तरह के सिनेमा का। और हम तो एक्टर हैं, हम हर तरह के जॉनर, हर तरह की कहानी, हर तरह की फिल्म से जुड़ना चाहते हैं, और नहीं तो कंप्लीट नहीं। और मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, जहाँ तक नायक की इन्होंने बात की, मेरे हिसाब से फिल्म की स्क्रिप्ट नायक है, और जो वो राजेंद्र गुप्ता जी ने रोल किया है, जिसकी उसके बहन से शादी होने वाली है, वो जो कहते हैं वो फिल्म का जिस्ट है। ऑफकोर्स और बहुत सारी जगह पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कही गई, लेकिन जो उन्होंने बोला कि तुम्हें किसने कहा कि मज़हब के खिलाफ है, गटर में पैदा हुए वही मर जाओगे, पढ़ो लिखो बाहर आओ, या पार्टीशन की जो बात की, और ये जो कहा कि मज़हब आपको साथ नहीं लाएगा, आपका कल्चर, आपका भाषा, आपकी सोच, वो आपको साथ में लाती है। और बहुत अच्छी लाइन थी कि फिर 25 साल के बाद वही जो दो टुकड़े किए थे, फिर एक मुस्लिम ने मुस्लिम को जाके मारा। तो यहाँ पर भी जो अभी भी जैसे बोला कि आज भी मुल्क में ये हो रहा है, कोई भी अगर रिलीजन के नाम पर आपको कहता है तो वो चलने वाला नहीं है। वो एक्चुअली लॉन्ग रन में आज हमें लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो नहीं चलेगा आपस में। आपको एक स्ट्रेंज चीज़ बताता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप पार्टीशन के टाइम आए थे लाहौर से, और मैं तो कभी पाकिस्तान गया नहीं, मौका मिलेगा तो ज़रूर जाना चाहूँगा, मेरे एंसेस्टर्स उस ज़मीन से हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे मालूम है, क्योंकि जितनी बार मैं यहाँ इधर पाकिस्तानियों को मिला हूँ, अगर एक यूपी का मुस्लिम, बिहार का मुस्लिम या कहीं का भी मुस्लिम और मैं लाहौर जाएंगे, थोड़ी देर के बाद मेरी आवभगत ज़्यादा होगा। जैसे ही मैं भाषा बोलता हूँ कहते लाहौरी है, वो कहता है एक जीवन था कुछ सपने थे, सो मुफ्त में कुर्बान कर डाले, धरती बांटने वालों ने धरती के टुकड़े कर डाले। ये कैफी साहब जैसा ही आदमी लिख सकता है कि पहले वो पार्टीशन पे ले गए, पहले वो इन लड़कों की बात करेंगे यहाँ से यूथ की, एक जीवन था कुछ सपने थे सो मुफ्त में कुर्बान कर डाले, धरती बांटने वालों ने धरती के टुकड़े कर डाले, सब पाप अपने सब दोष अपने निर्दोषों के सर डाले, जिन्होंने कहा सब घर बदले, उन्होंने ये देखा भी नहीं कौन कहाँ थक कर बैठा, किसने कहाँ बिस्तर डाले, एक जीवन था कुछ सपने थे सो मुफ्त में कुर्बान कर डाले, मुल्क का अभी हाल वही, नफरत का है भी राज वही, जीवन का। उन्होंने गागर में सागर जो बोलते हैं, एक ही गाने में इतना कुछ डाल दिया। तो मुझे बहुत, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिल्मों का मेरा जो करियर सही मायने में शुरू हुआ वो इस फिल्म से शुरू हुआ। और अभी तो लिस्ट में हर तरह की फिल्में, मैंने फॉरेन फिल्म्स भी किए हैं, मैंने बांग्लादेश की भी, चिल्ड्रन ऑफ वॉर की, जिसके लिए मुझे फ्रांस में पिछले साल अवार्ड मिला। हमारी भी ये पहली फिल्म थी, हम भी रवाना हो रहे थे, हम भी डबिंग सीख रहे थे, तो उसमें भी अगर एंड ऑफ द डे इस तरह का प्रोडक्ट निकला है कि आज 25 साल के बाद भी लोग उसको देखना चाहते हैं, और हम, मैं आई एम प्राउड ऑफ इट, मैं दिखाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि जैसे पिछली तीन रो में मैं बैठा था, रेसलेस थे कुछ लोग, यार कब खत्म होंगे कह नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। पर मैं इस तरह से सोचता हूँ कि जिस तरह का हम सिनेमा कर रहे हैं, हमें पता है कि पहले 10-15% लोग थे जब हम आए थे इस तरह के सिनेमा 70s में, 82 में, धीरे धीरे दैट क्राउड विच इज अप्रिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ सिनेमा, विच इज वॉन्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सिनेमा, दैट इज स्वेलिंग अप, वो थोड़ा बढ़ रहा है, और वही हमारी उम्मीद है, हम भी तभी लगे हुए हैं ना। पर एज एन एक्टर तो हमने हर तरह की कहानी सुनानी है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही तरह, इसीलिए आप मेरी जितनी भी फिल्में देखेंगे, अच्छा लगे मेरा काम या बुरा लगे, लेकिन पिछली फिल्म से मैच नहीं करता मैं, घर से नहीं लेकर आता हूँ। जो स्क्रिप्ट मिलती है, अगर आपने जब भी मैं, बहुत लोगों ने देखी होगी, और भाग मिल्खा भाग भी देखी होगी, और कुछ लोगों ने बदमाश कंपनी भी देखी होगी, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि
उन सब में मैं पंजाबी कर रहा हूँ, पर वो अलग-अलग लोग हैं। या रुस्तम का जो पुलिस वाला है, या एक पंजाबी फिल्म पंजाब 84 हमने दिखाई थी, उसका जो पुलिस वाला है वो दो अलग-अलग लोग हैं। नहीं तो लोग कहते हैं मैंने एक बार ही पुलिस वाला कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। एक टीचर जो है, एक आप क्लासरूम में स्टाफ रूम में चले जाइए, वहाँ 10 टीचर्स बैठे हैं, एक ही स्कूल या एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन सबका एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट डिफरेंट है। वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, कैसी उनकी सोच है। एक ही पुलिस स्टेशन में 5 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो किस तरह क्रिमिनल से डील करते हैं, सब अलग अलग तरह से, उनकी अप्रोच अलग होगी। इसीलिए कई बार हम जो फिल्म में नहीं भी दिखाते, हम सोचते हैं या पूछते हैं इसकी बैक स्टोरी क्या होगी। उसका घर कभी नहीं दिखाया, फिर भी इमेजिन करते हैं इसकी बीवी कैसी होगी, इसके बच्चे कैसे होंगे, ये कैसे माहौल में पला होगा। ऑल दो माहौल हमेशा चीज़ें तय नहीं करता, वी आर बॉर्न विद सर्टेन ट्रेट्स। इसीलिए 5 बहन भाई होंगे, एक ही घर, एक ही मोहल्ले में पढ़े, पले बड़े, एक ही स्कूल में पढ़े, फिर भी 5 अलग अलग होते हैं। तो एज एन एक्टर यही एक्साइटिंग है कि कुछ भी जब होता है, आप स्क्रिप्ट खोलते हैं, फिर उसमें कुछ ढूंढते हैं, क्या है। जैसे ये शुरू में मैंने वहाँ बैठते हुए कहा भी ऊपर कि शुरू में हो सकता है 15-20 मिनट लगेगी कुछ गुंडों की फिल्म दिखा रहे, लेकिन वो आपको ये फिल्म कहीं और ले जाती है। बस यही मैं कह रहा था कि आमतौर पर हिंदी सिनेमा में जबकि अभिनेताओं के साथ ये माना जाता है कि वो अपनी क्या स्टाइल तय करते हैं और उसका निर्वाह करते हैं। नहीं देखिए, ये सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, स्टाइल इसलिए भी ज़रूरी है, स्टार वही बनता है जिसकी स्टेज पे मिमिक्री हो। अगर हमारे फिल्म में अलायदा हैं, दिखते अलग है, हम आज तक मैंने इतना काम किया है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतनी जगह, अब मैं हर जगह जाकर बोलता हूँ मेरा नाम पवन मल्होत्रा है, क्योंकि ऐसा भी हुआ है और एक बार ही नहीं, फ्यू टाइम्स इट हैज़ हैपेंड कि कोई मेरे पास आकर कहता है कि सर सलीम नगर पर मत रो, देखी कितनी बार देखी, बाग बहादुर बचपन में दिखाते थे, एंड भाग मिल्खा भाग में तो क्या कोच का रोल किया था सर, एंड ब्लैक फ्राइडे यू वर ऑसम सर, जब वी मेट वी कैन नेवर फॉरगेट, रोड टू चंगम आई डिडंट इवन रिकॉग्नाइज यू, और अभी मैंने वो देखी रुस्तम, और बट सर व्हाट इज योर नेम, एंड बिग फैन बिग फैन। तो मैं हमेशा सोचता था ही नोज ऑल माई फिल्म, ही सेज बिग फैन, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट ही सेज व्हाट्स योर नेम। तो मेरे डायरेक्टर दोस्त ने बोला कि यू शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज ही रिमेंबर्स यू बाय योर कैरेक्टर्स। पर स्टार कौन बनता है जिसकी एक सर्टन स्पीच हो कि मैं यहाँ बोलना शुरू हुआ तो आपको पता है कि वो एक्टर, एक हाथ यूं किया था अरे फलाना एक्टर, स्टार वही बनता है। लेकिन हमारी अप्रोच ये है कि हम अगर किरदार हम बैरूम भी हैं, कोशिश होनी चाहिए, हमेशा 100% नहीं कर सकते, कोई 100% होता भी नहीं है सिनेमा में, एक्टर हैं तो 100% कुछ है ही नहीं, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इमोशन, एंड ह्यूमन इमोशन में यू कैन नेवर गेट 100% बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट। इसकी उड़ान बहुत कमाल की है। एनीवे सॉरी आई इंटरप्टेड। वही सवाल था मेरे जवाब आपने दिया, स्टार जो होते हैं वो, आपने हर एक फिल्म में अलग अलग काम किया। शुरुआत आपने जो शुरुआती फिल्म थी आपकी, दो फिल्में एक साथ आई, एक ही साल जी जी, और दोनों को नेशनल अवार्ड मिला, दोनों ही नेशनल अवार्ड मिला, दोनों ही उस समय के जो सबसे बड़े डायरेक्टर थे सईद अख्तर मिर्जा और गौतम बुद्धदेवदास को, लेकिन फिर आप नायक की भूमिका में कम हो गए, आप कैरेक्टर की भूमिका में आए, तो क्या आपको ये लगा नहीं कि मैंने, हम जब आप सिनेमा में गए थे तो निश्चित रूप से ये कहीं तो होगा कि हमको स्टार बनना है, नहीं स्टार बनना तो नहीं था दिमाग में, और शायद इसलिए भी नहीं था कि सच बात यह है कि जब दिल्ली में थिएटर करते थे तो इट हैपेंड इन प्रोसेस, कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन फिल्मों में जाके काम करूँगा। कोई थिएटर में ले गया, पहले प्ले में मैंने 6 अलग अलग किरदार किए, बल्कि मैंने उससे पूछा कि टिकेटेड शो होगा, उसने बोला हाँ, तो मैंने कहा फिर मुझे क्यों लेंगे, पर उनको तो भीड़ चाहिए थी। तो एक प्ले में अगर 6 किरदार कर रहे हैं तो कितने छोटे छोटे रहे होंगे कि बाजार का सीन है, सिपाही खड़े हैं, अमीरों की मीटिंग हो रही है, पर उस सब में मुझे उन्होंने कहा कि तुम अच्छा करते हो यार, हमारे ग्रुप के मेंबर क्यों नहीं बनते। और ये कॉलेज जाने से थोड़ा पहले शुरू हुआ, स्कूल के टाइम पर, और फिर मुझे वो फैजल अलकाजी साहब के बेटे, वो फिर और प्लेज में भी बुलाते रहे,
और धीरे धीरे प्रोसेस में फिर वो एक चस्का लग गया, खून मुँह लग गया। हम बजाय शाम को ऐसे ही इधर उधर अड्डा मारने के, खड़े होने के, जो कि होता था हमारे एरिया में कि एक लाइब्रेरी थी, वहाँ लड़कियाँ भी आती थी, लड़के भी आते थे, सब लोग खड़े रहते थे, किताब लेने में बहुत टाइम लगता था, जिनको कोई मिल गया या मिल गई है। हमने वो छोड़ के हम थिएटर की तरफ जाने लगे। एक ग्रुप था जो फुटबॉल खेलता था, और फिर धीरे धीरे काम मिलता गया, पर उस वक्त ये नहीं सोचा था कि सिनेमा में, फिल्मों में जाएंगे, ना ही हमें लगता था कि हमारे औकात, हमने ऐसा सोच भी नहीं पाए, क्योंकि कुछ दोस्त जो बॉम्बे आ गए वो आके वापस कभी अच्छा करो ना सही तो थे, पागल बॉम्बे क्यों नहीं आता। तो मैं सच में सोचता था हमें बॉम्बे में काम क्यों कोई दे, क्योंकि हम जब बड़े हुए तो विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, ये लंबे चौड़े हैंडसम लोग, अमिताभ बच्चन, और नए भी जब आए तो उसी वक्त कुमार गौरव और संजय दत्त आए थे, पर वो तो फिल्म फैमिलीज के थे ना, ही नेवर इवन थॉट अबाउट इट। वो तो मैं प्ले करने गया, और वो जो दोस्त कुछ और पहले से थे, जाने दियारों में प्रोडक्शन, यही जर्नी होती है, डेस्टिनी कोई चीज़ है। लोग कहते हैं मैंने कुछ किया, मैं कुछ नहीं करता है। अमिताभ बच्चन भी 5 साल घर पे बैठे, और जब डेस्टिनी, किस्मत खराब होती है तो ऊपर से पता चले एक लाइट गिर गई मेरे सर, मैंने कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं की। तो अपने आप में आई जस्ट फ्लोटेड, भगवान ही और मुझे ले गया। और आज तक ये बात सच है, बम्बई में आज तक जितना भी मैंने काम किया, जो मतलब मैं 10 दिन पहले शूटिंग करके आया हूँ उस तक, एवरीथिंग केम इनटू माय लाइफ, मेरी झोली में वो काम आया जो मैंने कोशिश की कभी नहीं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा, जो उन्होंने मेंशन किया रेट्रोस्पेक्टिव, IIC जैसी संस्था मुझे बुला के, मेरा पवन मल्होत्रा फिल्म फेस्टिवल करती है, 6 फिल्में दिखाई जाती हैं, एक सेमिनार होता है मुझ पर, I never thought I'd achieve this. With process I kept working. और ये बात सच है कि जब भी काम मिला तो मैंने पूरी ईमानदारी से, अभी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया, उन्होंने पूछा आप फिल्म के बाद आएंगे, नहीं मैं अभी भी थोड़ा बैठ के फिल्म देखूँ, मैं भी बहुत सालों बाद देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें निभाई हूँ, ये तो मेरा काम है ना, मैं होटल में बैठ के क्या करूँ। जी लगता है, आज भी एक खास करके हम लोगों के उम्र के लोग टेलीविजन की शुरुआत हम लोगों ने नुक्कर के साथ की, और नुक्कर के साथ हम सब जानते हैं कि नुक्कर के जितने भी कलाकार तो मुझे एक इमोशनल जुड़ाव रहा है जी, क्योंकि सब वहाँ 2 तरह के लोग थे कास्ट में, 26-27 जो भी लोग थे, या तो हमारे जैसे थे जिनका काम शुरू हो रहा था, या वो वाले थे जिनको सईद मिर्ज़ा ने कब्र में से निकाला था, जिनके करियर्स ख़त्म हो चुके थे, एंड इट रिवाइव्ड फॉर एवरीवन। और आज भी लोग जब नुक्कड़ की बात करें, इसलिए कंटेंट ज़रूरी है, आप क्या, मैं जुड़वा जैसी फिल्म का हिस्सा हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद लोग भूल जाएंगे। आप लाइब्रेरी में अपने साथ किसी यंगस्टर को, बच्चे को लेकर जाएंगे तो आप जुड़वा निकाल के नहीं घर लेके जाएंगे दिखाने, आप बिमल रॉय की, ऋषिदा की, इस तरह की फिल्में ढूंढेंगे। और सिनेमा वो है, आज भी आप मदर इंडिया 100 बारी देख लीजिए फिर भी चल रही होगी, आप देखने बैठ जाएंगे, शोले भी आप देखने बैठ जाएंगे, बिल्कुल अलायदा फिल्म बता रहा हूँ, क्योंकि दे आर वेल मेड फिल्म्स। मुगले आजम को आप कलर कीजिए या ब्लैक एंड वाइट में रखिए, इसका इम्पैक्ट वही होगा, बिकॉज वो रोमांस, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट में घुमाया जाए फेदर को या कलर में, उसका रोमांस आपको छुएगा उसी रोड से, क्योंकि कंटेंट में दम है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग। ऋषिदा की अगर आप सिनेमा देखेंगे तो आजकल जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स इस तरह कैमरा घुमाते हैं, कटिंग बड़ी सिंपल करते थे, लेकिन गोलमाल और चुपके चुपके और आनंद मिली जैसी फिल्में कोई दोबारा नहीं बना सकता। विजयनंद को हम हमेशा याद रखेंगे, बिमल रॉय को हम हमेशा याद रखेंगे, और आर्टिस्ट का यही फायदा है कि इस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं वो कभी मरेंगे नहीं, जब तक प्रलय नहीं होगी, जब तक डूम्स डे नहीं होगा, जब तक DVD सर्वाइव करेंगी, आप उनको निकाल निकाल कर देखेंगे कभी ना कभी। आज हमने तो बहुत छोटे लेवल का काम किया, आज फिर भी 27 साल के बाद वो फिल्म किसी ने बुला के दिखाई, तो इसमें से अगर 400 लोग किसी फॉर्मेलिटी की वजह से बैठ रहे होंगे, उसमें से 40 ज़रूर होंगे जिनको एक्चुअली आनंद आया होगा। आमतौर पर हिंदी समाज में, खास करके हम लोगों की तरफ उत्तर भारत में,
फिल्मों में जब जाने जैसे ही जाने की बात होती है तो परिवार में उथल पुथल मच जाता है, बच्चा बिगड़ गया। तो आपने भी जब ये मन बनाया होगा, क्योंकि आपकी फैमिली वेल सेटल्ड फैमिली थी, बड़ा सा बिजनेस था आपके परिवार का, तो आपने भी जब तय किया होगा कि अब नाटक करना है, फिर टेलीविजन में जाना है, फिर फिल्मों में जाना है, तो क्या कुछ हुआ? देखिए, मेरे परिवार वैसे तो रिफ्यूजी आए थे, पर ज़्यादातर दिल्ली के रिफ्यूजी, जो कि मैंने अपने फादर से एक बार ही बात की थी, वो अपना उन्होंने बना ली जगह। और बहुत मेहनती कौम थी जो भी आई थी, दिन रात काम किया उन्होंने। और मेरे फादर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक बार मैंने पूछा था, कैसे ये सब लोग सेटल हुए, तो उन्होंने बोला जिसके पास जो था उसने दुकान चाहे किराए पर ली चाहे खरीदी। सॉरी, मेरी आवाज़ काम करी, बिकॉज़ आई एम फीलिंग कोल्ड। तो पर वो खुद ही बोरी उठाता था, खुद ही झाड़ू लगाता था, कस्टमर ने पानी मांगा तो खुद ही देता था। और जिस दिन उसको लगे सेल कम हो रही है, तो वो दुकानदार जो था वो भाव के भाव बाल बेचता था कि शाम की 3 बोरियों को जो पैसे आएंगे तो घर खाने के लिए बच्चे लगाऊंगा, ऐसा उन्होंने बताया। पर हमारी फैमिली जो अभी हरिद्वार के पढ़ने, तो पहले हम इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे, हम सबसे छोटे थे। पर हरिद्वार गया तो उन्होंने बताया कि मशीन टूल्स का बिजनेस मेरे फादर ने लाहौर में ही शुरू कर दिया था, एक नंदा से उनसे सीखा था। एनीवे, दिल्ली में फाइनली हमारा फैमिली बिजनेस मशीन टूल्स का था जो एस्टेब्लिश था। और मेरे फादर को धागी ये भी साथ में ही करेगा, हम थिएटर की तरफ झुकाव हो गया और बिजनेस हमें आता भी, मेरे बस का भी नहीं था, सच्ची बात है। और जब मैं थिएटर करता था तो इन्होंने पूछा उनका रिएक्शन कैसे था, मेरे फादर ने कभी आके मेरा कोई प्ले नहीं देखा। पर कॉलेज जब गए तो वो बोलते थे काम सीखो। और एक रोज़ हम सुबह ऑफिस पहुँचे तो आरएक्स सर्वेंट की ड्यूटी होती थी, कोई पानी भरेगा, कोई फूल लाएगा पूजा के लिए, झाड़ू लगाएगा। मेरे फादर ने मुझसे बोला कि इन पंजाबियों को बोलिए कि झाड़ू लगा। मैंने एक्चुअली उनके तरफ देखा, मैं झाड़ूंगा इसे क्यों, तेरा ऑफिस नहीं चल, मैं लगा दूँ। मैंने बड़े गुस्से में झाड़ू लगाया और 2-3 रोज़ के बाद उन्होंने मुझसे फिर कहा झाड़ू लगा, मैंने लगा दिया। फिर उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और मुझसे कहा कि ये झाड़ू तुझसे इसलिए लगवाया ताकि तेरी सारी ईगो खत्म हो जाए, जिस दिन ईगो खत्म हो गई सर्वाइवल में प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट हेल्प मी, मैं सर्वाइव किया हूँ बॉम्बे में बिकॉज ऑफ दैट वन झाड़ू। या वॉट ही टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देख एक दिन तुझे इस कुर्सी पर बैठना है, इनसे काम करवाना है, और अगर तुझे काम करना नहीं आता ना तो काम करवा नहीं सकता। ये 3 घंटे लगाएगा, तू बोलेगा आधे घंटे के काम में 3 घंटे क्यों लगते हैं, वो बोलेगा 3 घंटे लगते हैं, आधे घंटा लगता है तो आप करके दिखा दो, तू कर सकता है तो करवा सकता है। इसलिए पहली चीज़ नीचे का सारा काम सीखो, पेटी ठोको, पैक करो, रिक्शा में रखो, जैसे ये लोग बैठ के जाते हैं बैठ। और साथ में ये भी बोलो, कोई कॉलेज वाला देखे ना तो बोलना मेरा काम। सो वो सब था। और जब बॉम्बे जाने की बात हुई तो ऑफकोर्स मैं प्ले करने आया था और मुझे जाने के बारे में प्रोडक्शन का काम ऑफर हुआ और पैसे बहुत कम थे। और मैंने बोला कैसे सर्वाइव करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं हो जाएगा, मिल के रहेंगे। और मुझसे ये कहा गया कि आके देख तो सही 5-6-7 महीने, नहीं अच्छा लगेगा चले जाओ। आई वेंट बैक, टोल्ड माई पेरेंट्स कि आई एम गोइंग, आई गॉट अ जॉब। तो पहले तो मेरे फादर थोड़ा मेरी माँ को डांटे कि देखा ये थिएटर का। और फाइनली जब उन्होंने पैसे पूछे कितने मिलेंगे तो वो खड़े हो गए, पागल है तो मरीज ऐसे कैसे रहेगा कोई। बट उन्होंने एक चीज़ बोली कि वहाँ किसी से उधार नहीं मांग रहा, मल्होत्रों का नाम नहीं खराब करना। और मेरे दिमाग में आया फिर भाई सेल्फ मेड कैसे होंगे ना, ये दिमाग में चल रहा। और एक छोटी सी बड़ी कमाल की चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हम फ़ोन करने जाते थे तो मीटर चलता था तो वो दिखता था कि पैसे बढ़ रहे हैं। और कभी कभी आपका एक घंटे बाद नंबर आया तो वो हेल्डअप हो जाता है। तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ, माँ से बात कर रहा हूँ, मेरी माँ बोलती है कि चिट्ठी नहीं लिखी, मुझे तुमने चिट्ठी नहीं लिखी। तो मैंने कहा मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप, और आप कह रही हैं चिट्ठी नहीं लिखी। तो बोली नहीं चिट्ठी तो 2-3-4 बार पढ़ सकती। तो ये माँ ऐसा। और फिर उन्होंने फाइनली मुझे पोस्ट कार्ड्स दे दिए थे एड्रेस लिख के कि सिर्फ ऑल वेल डाल के पोस्ट कर दिया, अगर हम वो भी नहीं करते थे। तो एक बार हम आ गए तो देव बीन वेरी सपोर्टिव। और फिर मैं दिल्ली नुक्कड़ के दौरान गया तो वहाँ पुरानी दिल्ली में हमारा ऑफिस था, तो बहुत भीड़ लग गई। और फिर जैसे आजकल आप देखते होंगे शाहरुख खान अमिताभ बच्चन साहब वेव करते ना क्राउड को, ऐसे मैं पुरानी दिल्ली में ऊपर खड़ा वेव कर रहा था। मेरे फादर मुझे ऐसी हैरानगी से देख रहे थे जो कि एज एन एक्टर मैं कभी रिक्रिएट नहीं कर सकता हूँ। उनके चेहरे पर हैरानगी,
और एक थोड़ा प्राउड वाली फीलिंग थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे घर घुट ले दिया, उनको पता लग गया। और फिर कभी कंसर्न दिखाते थे तो मैं कहता था अभी 500, 5000, 5 लाख, 5 करोड़ वो मेरे हैं, आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, 500 मिलेंगे उसमें भी जी लूँगा। वो लड़की कहती है ना उसमें गुजारा तो हो सकता है ना। जर्नी हैज़ बीन इंटरेस्टिंग। अगर आप देखेंगे पवन मल्होत्रा अगर याद रहा नाम, तो उसमें हर तरह की फिल्म, हर तरह की फिल्म की है और भगवान ने करवाई है। जब लोग बोलते हैं व्हाई डू कीप सेइंग गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, यस सबको लगता है कि मैंने पैंतरा नहीं होता, पर मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार जाके स्टूडेंट्स को जब मिलता हूँ, भाई भगवान ऊपर से सेब या खजूर गिरा देगा लेकिन यू हैव टू च्यू इट वेल, चबाना आप ही को पड़ेगा, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होना। तो वो कितनी देर खींच लेंगे, एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क हार्ड। हो सकता है हमें कोई एक्टर नहीं पसंद आ रहा हो यार, या तो फिर भी एक्शन कर रहा है या स्टंट कर रहा है, और उसमें लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क गोज इन दैट। आई विल नॉट से कि जो मसाला फिल्म में सिर्फ नाच गाना या एक्शन कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, बहुत मेहनत है। और लोगों को लगता है कि फिल्मों में चले, लेकिन जो स्टार्स को भी आप देख रहे हो वो जो बर्फ में या धूप में जो गाने कर रहे हैं वो बहुत मेहनत का काम है। तो जिसको भी जो मिला है वो उसके हिस्से का मिला है, किसी को ऐसे नहीं मिला है।